भावे। अब नारद को ठाड़े बैठे दिन में न रात में चैन ही नहीं, अब क्या करें। अब माफ करें, वो कवि तो यहाँ तक कहते हैं कि चैन आता नहीं है, चैन नहीं आता है। क्यों? विक्रम नारद को ठाड़े बैठे दिन में न रात में चैन ही नहीं, अब क्या करें। दो दिन है। और हम इतने सुंदर भी नहीं है जो लड़की देखते ही देखते बरमाला पहना, इतना समय भी नहीं है कि तपस्या करके सुंदर होने का वरदान मांग ले, अब क्या करें। अंत में विचार आया, भगवान नारायण बहुत सुंदर है, ऐसा करते हैं उन्हीं को अपने पास में बुलाते हैं। और नारद ने भगवान नारायण का ध्यान किया, नारद ने भगवान का ध्यान किया, थोड़ी देर में भगवान सामने प्रकट हो गए। कहिए नारद, याद किया तुमने हमें? बोले बुलाया तो था, आप आ गए। प्रभु आपकी तो बड़ी कृपा है हमारे ऊपर फिलहाल। कहिए क्या आदेश है हमारे लिए? बोले आदेश नहीं प्रभु, हमारे ऊपर कृपा करो, आप हरि रूप हमें दे दो। क्यों? बोले महाराज सीलित है ना, क्या हो गया उन्हें? उन्हें कुछ नहीं हुआ है, उनके घर में जो उनकी बेटी है विश्वमोहिनी, विश्वमोहिनी को कुछ हो गया। जवाब दिया, पूरी बात सुनाना, बीच में बोलते हैं प्रभु। महाराज सीलित की बेटी जो विश्वमोहिनी है वो देखने में बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि तुमने भी नहीं देखी होगी इतनी सुंदर कोई लड़की। हाँ, और हमने देखा तो हमने विचार किया उस लड़की से हम शादी करेंगे। पागल हो गए ना, थोड़े दिन पहले की बात है, तुमने हमसे ये कहा था हमारे समान दुनिया में कोई महात्मा नहीं है, हम बाल ब्रह्मचारी हैं, और ये फिलहाल शादी के विचार तुमने कब से बना लिए? जवाब दिया, प्रभु ये पुरानी बातें छोड़ो, अब तो शादी करेंगे, और शादी करेंगे तो उसी लड़की से करेंगे, उस लड़की से शादी नहीं हुई तो नारद परे जाएंगे, हम जिएंगे ही नहीं, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी है। जवाब दिया, अब जो तुम्हारी इच्छा बोलो, हमें क्या करना है। भगवान ने जब सवाल किया तो नारद कहने लगे, ऐसा करो हमें हरे रूप दे दो। और हरे बंदर को भी कहते, हरे भगवान को भी कहते, तो भगवान ने नारद की बात मानी, इतना सुंदर शरीर कर दिया, शरीर तो इतना सुंदर बना दिया, इतना सुंदर बना दिया, लेकिन चेहरा वो बंदर का बना दिया। अब नारद शरीर को देखते हैं बड़े खुश, भाई हमारे समान अब कोई और भी सुंदर है, अब तो हम जैसे ही उस रंग भूमि में जाएंगे, लड़की जैसे ही देखेगी जयमाला लेकर के दौड़ेगी, लोग पकड़ेंगे फिर भी नहीं मानेगी, भाग करके नारद की गर्दन में बरमाला डालेगी, नारद शादी करेंगे, धीरे से निकले आएंगे, मतलब क्या है किसी से।